बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, अपराधी अपना काम जरूर कर रहे हैं, अपराधी का मनोबल दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है, लगातार घटनाएं घट रही है बिहार में, लेकिन अपराधी पुलिस के चंगुल से फरार है। रुपेश हत्याकांड के अभी तक पुलिस जो है खाली हाथ है, कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और आज के दिन फिर एक बार बाढ़ पट्टा के सटे बाढ़ इलाके में एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई, और ये हत्या होने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। अब NDA के घटक दल यानी JDU के पक्ष में ही BJP के जो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। हो रही है उसकी जांच तो पूरी हो ही रही है, हमारे तो सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि इस तरह की घटना ना घटे, जो भी हुआ है वो शर्मनाक हुआ है।